मुंबई बम धमाके का दोषी डॉक्टर जलीस अंसारी शुक्रवार शाम को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर जलीस मुंबई स्थित अपने घर से शुक्रवार सुबह से ही लापता था। वो पिछले 21 दिनों से अजमेर जेल से पैरोल पर बाहर था। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि जलीस अंसारी को तब गिरफ्तार किया गया जब वो कानपुर की एक मस्जिद से बाहर आ रहा था। उसे लखनऊ लाया गया है और अंसारी की गिरफ्तारी यूपी पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। डॉक्टर बम को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई बम धमाके का दोषी जलीस अंसारी उर्फ डॉक्टर बम फरार होने की कोशिश में था। जलीस अंसारी पैरोल खत्म होने से पहले मुंबई से गायब हुआ था। अंसारी कानपुर में एसटीएफ ने अंसारी को दबोचा। अजमेर जेल में सजा काट रहा था अंसारी। कई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी 69 साल के कुख्यात आतंकी जलीस अंसारी को आज कानपुर से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की पैरोल मिलने के बाद वो अजमेर जेल से बाहर आया था। पैरोल खत्म होने से एक दिन पहले ही वो लापता हो गया। आतंकी के बेटे ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 1993 में राजधानी ट्रेन में कोटा और कानपुर में हुए ब्लास्ट मामले में अजमेर की टाडा कोर्ट ने अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अंसारी की गिरफ्तारी यूपी पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आतंकी जलीस अंसारी पर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, राजधानी एक्सप्रेस ब्लास्ट, पुणे सीरियल ब्लास्ट सहित 90 के दशक में देश भर में 50 से ज्यादा ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है। 1993 में ही 5-6 दिसंबर की रात को देश भर में 6 जगहों पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। राजधानी ट्रेन में कोटा और कानपुर में हुए ब्लास्ट मामले में अजमेर की टाडा कोर्ट ने अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुना रखी थी। डॉक्टर बम के नाम से कुख्यात है अंसारी। जलीस अंसारी एमबीबीएस डॉक्टर है। वो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था और आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दिया करता था। इसी के चलते लोग उसे डॉक्टर बम के नाम से बुलाने लगे। 2008 के मुंबई ब्लास्ट केस में भी एनआईए ने 2011 में अंसारी से ही पूछताछ की थी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि जलीस को कानपुर में तब गिरफ्तार किया गया जब वो एक मस्जिद से निकलकर रेलवे स्टेशन जा रहा था। जलीस मूलतः उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का रहने वाला है। ऐसे में मुंबई से भागने के बाद आशंका थी कि वो नेपाल के रास्ते भारत से फरार हो सकता है। मस्जिद से जब वो बाहर निकल रहा था कानपुर के और एक बच्चे के उंगली को पकड़कर वो रेलवे स्टेशन की तरफ, हो सकता है उसे और भी कहीं जाने के फिराक में हो, और उसके बाद एक हमारे एसटीएफ के पुलिसकर्मी ने उसको बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से उससे बातचीत शुरू की और उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया। उधर एसटीएफ अंसारी से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि वो जेल से भी आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था। हालांकि पूछताछ के बाद ही इन सभी मामलों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन यूपी एसटीएफ ने जलीस अंसारी को गिरफ्तार कर भविष्य में होने वाली आतंकी घटनाओं को रोकने का काम जरूर किया है, जो यूपी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।